हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल सिस्टम में क्लास चल रहा था मौलिक अधिकार से रिलेटेड। तो स्वतंत्रता के अधिकार तक नहीं, शोषण के विरोध के अधिकार तक हमने वर्णन कर लिया था। आज पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही साथ 25 क्वेश्चन का करंट अफेयर और बिहार एसएससी के साथ प्रीवियस क्वेश्चन का डेली क्यूज रहता है, वो रहेगा अब मंडे से फ्राइडे तक। और मंडे से फ्राइडे तक का रिवीजन एक साथ रहेगा शनिवार को, और संडे के डेली क्यूज या फिर ये क्लास भी नहीं रहता है, ये सिर्फ एमडब्ल्यूएफ को रहता है। तो पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। तो जनरली अब हम पढ़ेंगे 25 का एक, ठीक है ना, नहीं 25, 26, 27 और 28 पढ़ेंगे। तो 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में क्या है, तो ये क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म को अबाध रूप से मानने मानने, ठीक है, आचरण करने आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। ये पॉइंट है आपका अनुच्छेद 25 में। अब इसको डिटेल से देखते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत धर्म को अवाध रूप से मान सकता है, आचरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति सामाजिक विकास को धार्मिक आधार बनाकर उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। और इसी आधार पर देखिए, तीन तलाक को खत्म किया गया इस्लाम में से, क्योंकि वो सामाजिक सुधार किया जा रहा था। मान लेते हैं धर्म में भी कुछ ऐसा था, लेकिन सामाजिक सुधार को धार्मिक आधार पे बाधित नहीं किया जा सकता है, ये भी पॉइंट है। साथ ही साथ में ये है कि धर्म का कोई भी गतिविधि, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या वित्तीय गतिविधियां हो, उस पर सरकार का नियंत्रण होगा। साथ ही साथ है कि किसी भी व्यक्ति को हिंदू समाज का, हिंदू धर्म के सभी को समान रूप से कहीं पे भी किसी भी उस वही सब है ना, हाँ, हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा सभी मंदिरों को, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 25 में ये बताया गया है कि सिख धर्म मानने वाले को कृपाण रखने की, धारण करने की इजाजत होगी, है ना। और इसके साथ साथ हिंदू धर्म के अंतर्गत किसको किसको माना गया, सिख धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, तो ये सबको हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माना गया है अनुच्छेद 25 के तहत। अब इसमें एक पॉइंट है, धर्म परिवर्तन। तो संविधान में धर्म परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं है, इसका प्रचार प्रसार के बारे में भी वैसा कोई प्रतिबंध की बात नहीं है, लेकिन प्रावधानों से ये प्रतीत होता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता के अनुसार जैसे हम धर्म को अपना सकते हैं, उसी प्रकार से धर्म परिवर्तन भी किसी व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है। लेकिन आगे कुछ विवाद हुआ कि संविधान सभा में राजकुमारी अमृता कौर ने चिंता व्यक्त की कि इससे धर्म से जुड़ी कुरीतियों को बढ़ावा मिलेगा। तो उदारवादी तो इससे सहमत थे, फिर भी ये जो धर्म की स्वतंत्रता की बात थी, अवाध रूप से मनाने की, आचरण करने की, प्रचार करने की बात थी, उसको संविधान सभा में बैठे लोग जो उदारवादी लोग थे वो चाहते थे कि एक ऑब्सोल्यूट, ठीक है ना, अधिकार लोगों का बनाया जाए। अब होता क्या है, 70 के दशक में उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में जोर शोर से धर्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो उड़ीसा सरकार वहाँ एक कानून बना देती है और कहती है कि धर्म का परिवर्तन का आधार दंडनीय होगा यदि ये तीन कारण हो। तीन कारण कौन कौन था, बल कपट, ठीक है, और लोभ। ये तीन आधारों पे, यानी बलपूर्वक किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया करवाया जा सकता, अपनी इच्छा से वो कर रहा है तो बेहतर है,
कपट से नहीं करना है ना लोभ देकर। तो अभी भी ये तो कानून जरूर है, लेकिन ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कुछ राज्यों में इस प्रकार का कानून बना, पूरे भारत में धर्म परिवर्तन से रिलेटेड कानून अभी भी नहीं है। तो अभी भी चल रहा है, बल से तो कम लेकिन लोभ से धर्म का परिवर्तन चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब होता क्या है कि ये जब ये कानून उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकार लाती है, तब एक प्रोफेसर रेब ऑस्टोन, प्रोफेसर रेब नाम क्या है, स्टेनस्लॉस, ये क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर देते हैं कि ये जो कानून है मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, वो असंवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत धर्म परिवर्तन का भी, धर्म परिवर्तन की भी स्वतंत्रता आती है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ये धर्म प्रचार यानी कि धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता में ये कतई नहीं आता है कि धर्म परिवर्तन कराया जाए। इसके में और भी कुछ ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्म का अधिकार लोक व्यवस्था और सदाचार के अधीन है। यदि सभी धर्म क्या है, धर्म परिवर्तन करवाना शुरू कर जाए, कर दिया जाए, तो ये जो लोक व्यवस्था है या सदाचार है वो रह नहीं पाएगा, है ना, उसके लिए चुनौती उत्पन्न हो जाएंगे। तो संपूर्ण भारत में धर्म परिवर्तन से जुड़ी विधियां तो नहीं है, मात्र कुछ राज्यों में है। तो इस प्रकार से कुछ ये एक टर्म और इसी को लिखिए, स्टोन अस्लोस वाद, ये जो हुआ था कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, ठीक है ना। 1977 में हुआ था ये बाद, कब आया थोड़ीसा और मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटना हुआ था, तो ये 1977 में आया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका लगभग अनुच्छेद 25 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये एनसीईआरटी की मदद से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अनुच्छेद 26 में क्या है, अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक प्रबंधों की स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक मामलों की प्रबंधों की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधों की स्वतंत्रता, प्रबंधों की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधों की स्वतंत्रता में क्या है कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार, ठीक है, जिसके अंतर्गत धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना का अधिकार, उन्हें अपने धर्म के आधार पर संस्था का स्थापना कर सकता है, चल अचल संपत्ति एवं स्वामित्व का अधिकार, और जो भी संपत्ति प्राप्त हुआ है वो अपने अनुसार उसका निर्णय लेने का अधिकार, प्रशासन करने का अधिकार उस धर्म का, उस धन का। तो ये हो गया धार्मिक मामलों के प्रबंधों की स्वतंत्रता, ठीक है। अब है धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद ये 26 हुआ, अनुच्छेद 27 में क्या कह रहा है, 27 में ये बात कहा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति, ये लूसेंट में है, इसमें भी क्या है एनसीईआरटी में वो बताता हूँ, लूसेंट में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति की आय यदि किसी खास धर्म के उत्थान के लिए निर्धारित कर दिया गया है तो उस धर्म, उस व्यक्ति के आय पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। या फिर धर्म से जो भी आय हो रहा है, ये इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कर सरकार नहीं लेगी, और साथ ही साथ यदि कर कुछ लेती है तो धर्म को, जैसे तीर्थ यात्रा हो या हज यात्रा है, उसमें सुविधा प्रदान सरकार को करना है ट्रेवलिंग ये सब के लिए, तो उस वक्त सरकार कुछ टैक्स ले सकती है, ये बता रहा है एनसीईआरटी में, ठीक है। जैसे तीर्थ यात्रा व हज यात्रा को सुविधा प्रदान करने हेतु शुल्क वसूलना ये हो सकता है। अब अनुच्छेद 28 है, तो अनुच्छेद 28 यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं। जैसे शिक्षण संस्था है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 28 करता है। तो अनुच्छेद 28 में क्या है, पूरी तरह से यदि सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा संचालित कोई शिक्षण संस्थान है तो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। अब दूसरा हुआ, कोई ट्रस्ट ने किसी शिक्षण संस्थान को खोला तो वो धार्मिक शिक्षा दे सकता है, क्योंकि ट्रस्ट कोई धर्म के आधार पर ही होता है, कोई खास संप्रदाय से जुड़े होते हैं उस प्रकार का है, तो वहां पे वो धर्म की शिक्षा दे सकते हैं।
अब हुआ अगला बात कि सशर्त वैशेषण संस्थान जो राज्य के संरक्षण में कुछ अनुदान दिया जा रहा है, मतलब पूरी तरह से वो सरकारी नहीं है या राज्य सरकार में या केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं, सिर्फ अनुदानित है, अनुदान पे चल रहा है, तो वैसे शिक्षण संस्थान में बच्चों की मर्जी पे, यानी जो उसमें बच्चा पढ़ने वाला है या फिर जो व्यक्ति उसमें अध्ययन कर रहा है उसके मर्जी पे धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। और अल्पवयस्क बच्चे हैं जिनको धर्म कर्म के बारे में पता नहीं है, तो वैसे बच्चों को धर्म की शिक्षा वैसे शिक्षण संस्थान में जो अनुदानित है, अनुदान पे चल रहा है, दिया जा सकता है। तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक उसके माता पिता का आदेश ना हो जाए, हो जाता है तो दिया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 की कुछ बातें थी, ठीक है। तो आज धर्म की स्वतंत्रता को ही सिर्फ रहने देते हैं।